5, 4, 3, 2, 1, go! कोई चाचा खाना में खुश आमदीद, ये है UTMB of Pakistan। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, 5 घंटे बाद पता चलेगा सबको। तो अभी सुबह के 6 बजे हैं, जालिम कोच सबूरी ने 6 बजे बुलाया है। अभी जब मैं मैसेज कर रहा हूँ तो सारे गायब हैं। पाँच किलोमीटर 45 मिनट, नॉट बैड फॉर फर्स्ट डे। तो अभी हम F9 पार्क की तरफ जा रहे हैं, उन्होंने वहाँ पे हमें बुलाया है। कोस्टर पे हम सारा सामान लोड करके हम जाएंगे गलियात की तरफ। बहुत तरह वीडियो हो रहा है। तो यहाँ पे आप रनर्स को देख सकते हैं, ये किस तरह फोटो लेने में मसरूफ है। ये भूल गए कि ये यहाँ पे ट्रेल रनिंग करने आए हैं। चल देव के भी प्लान ये है कि अगर मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूँ तो 7 से 8 घंटे में मैं मुकम्मल करूँगा। प्लान भी ये है कि अगर प्लान ए कामयाब ना हो तो 8 से 10 घंटे अगर मैं कंप्लीट करूं तो मैं खुश हूं कि मैंने अच्छा परफॉर्म किया है, एवरेज परफॉर्म किया है। और प्लान सी, अगर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी ना हो तब भी 10 से लेकर 12 घंटे तक मैंने कंप्लीट करना है। और प्लान डी ये है कि खुदा न खास्ता उस टाइम में मैं कम्प्लीट ना कर पाऊँ। इसमें यह गुस्सा है कि तुम्हारे व्लॉग में एक्सेंट चेंज होता है खुद ब खुद। जी अमान साहब, ये हुलिया और ये वेस्ट और ये शूज। भाईजान, जिनके जान पहचान वाले ऑस्ट्रेलिया में होते हैं ना, उनका टशन बहुत ज्यादा होता है, तो रनिंग तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये वेस्ट देखो, ये शूज नहीं देखो। अगर आपके जिस्म को छोड़ के हम मॉनेटरी टर्म्स में आपकी वैल्यू लगाएं तो कितना आप, $1,000 तो हो जाएगा। क्या बात है भाई। आप देख सकते हैं कि 60K वाले कितने एंथुसिएज्म से तैयारी कर रहे हैं, और ये 20K वाले, इनको कोई फिक्र ही नहीं है। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, जाएंगे इंशाल्लाह, चलेंगे अंडर 10 आवर्स, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। यस, ऑन द लेफ्ट साइड, ऑन योर लेफ्ट साइड द रिबन विल बी देयर, यू हैव टू टेक देन फ्रॉम, यू हैव टू टेक राइट, टेक राइट, टेक राइट, देन यू हैव टू टेक राइट, यू विल बी इन देयर इन द ट्रेल साइड, इट्स अ डन अपहिल रोड, यू विल क्रॉस। 3, 2, 1, go! Let the race begin from the top of the Galiat to the end of the hill.
2006 में क्वेटा को छोड़ के मैं कराची की तरफ गया पढ़ाई के लिए। इसी तरह एनर्जेटिक था, बहुत ही खुशहाल, नया शहर, नए लोग, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े सड़कें और ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स। भाई हर आधे घंटे के बाद कुछ ना कुछ आपने पीना है, खाना है, मतलब कुछ ना कुछ आपने, चाहे प्यास लगे ना लगे, भूख लगे ना लगे। नहीं, वो भी भूख की फीलिंग उस वक्त आएगी जब आप ऑलरेडी ड्रेन आउट हो चुके होंगे, और कोशिश करना चाहिए कि जो आपके पास ऑलरेडी फूड फ्यूल है बॉडी में, आप उसके ऊपर टॉप अप करते रहें ताकि आप ड्रेन आउट ना हो। एक किलोमीटर हो गया और सादिक साहब बहुत खुशी मना रहे हैं और कह रहे हैं कि सिर्फ 57 किलोमीटर मोर, सिर्फ दिस वाज फ्री वर्कआउट कैफीन। तो अली जैदी को अभी पता चला है, तो नाउ यू आर गॉन। तो सवाल ये था कि कराची तो जाएंगे लेकिन पढ़ेंगे क्या। उस वक्त मेरा एक दोस्त था आबिद, वो सीए कर रहा था और बाकी कुछ लोग थे वो एससीए कर रहे थे कुछ इंजीनियरिंग। तो हमने पूछा कि आजकल किस में स्कोप ज़्यादा है, इन कौन सा है, तो लोगों ने कहा सीए एससीए। फिर मैंने पूछा इन दोनों में से सस्ता कौन है, तो लोगों ने कहा सीए। हमने कहा चलते हैं। है ना आगे मोहम्मद जी, तकदीर उमर वापस कर आगे महमूद बराबर कर। बारह किलोमीटर हो गया, फर्स्ट एड स्टेशन हम पहुंच गए, 20% रेस का हो गया है, बाकी रहता है। तो हमारा पहला सेमेस्टर था मॉड्यूल ए के नाम से, उसमें तीन पेपर्स थे, एक था इकोनॉमिक्स बहुत ही ख़तरनाक, दूसरा QM क्वांटिटेटिव मेथड्स, तीसरा इंग्लिश। और सारे लोग कहते थे कि आप जो भी कर लो आपका इकोनॉमिक्स फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं निकल पाएगा। तो मेहनत, दुआ, समाजत, वालिदैन की दुआएं, सब कुछ इकट्ठा करके मेरा मॉड्यूल ए फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल गया। और जो पहले से लोग खान साहब कर रहे थे, बाद में उन्होंने सोचा यार सही बंदा। एयर स्टेशन पे जो बनाना मैंने खाया उसके बाद से पेट में काफ़ी दर्द हो रहा है। फिर आ गया मॉड्यूल बी। मॉड्यूल बी में तीन पेपर्स थे, एक था मर्केंटाइल लॉ, दूसरा बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग और तीसरा था जो प्रेजेंटेशन से मुतालिक था। तो हमने सोचा कि यार जितना मेहनत हम कर चुके हैं उतना ही करेंगे, इकोनॉमिक्स तो निकल गया। मॉड्यूल बी में जो लॉ है उसमें आपने रटना है, कोई कंसेप्ट नहीं, कोई लॉजिक नहीं। तो हुआ यूँ कि तीन दफ़ा लॉ पेपर देने के बावजूद मैं क्लियर नहीं कर पाया। खूबसूरत नज़ारा, बादल नीचे और हम ऊपर, लेकिन इस नज़ारे को एंजॉय करने के लिए एक ज़हनी कैफियत की ज़रूरत है। अगर आप अपने पाँव के दर्द के बारे में सोचेंगे, अपने ग्लूट्स के बारे में सोचेंगे, अपने कमर और शोल्डर के बारे में सोचेंगे तो आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ट्रेल रनिंग एक तरफ, रास्ता ढूंढना अलग मसला, लेकिन आप टेंशन ना लीजिए, बादलों में मोहम्मदी को डूबते हुए देखें। हमें कोई रिबन नज़र नहीं आ रहा, अभी हम दोस्तों को फ़ोन करके पूछ रहे हैं, यहाँ सिग्नल का भी मसला है। फिर आया मॉड्यूल सी। मॉड्यूल सी में तीन पेपर्स थे, एक था OBBC जो मुझे बहुत पसंद आया, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड बिजनेस स्टडीज़, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टीम बिल्डिंग, टीम मैनेजमेंट, लीडरशिप और वो सब कुछ। तो बहुत मज़ा आया, इतना मज़ा आया कि मैं दो दफ़ा फेल हुआ, तीसरी दफ़ा वो पेपर क्लियर करके मैं आगे चला गया। मगर उस ज़माने में मसला ये था कि अगर तीन पेपर्स हैं, दो आप पास कर पाते हैं और एक में आपका फेल या लैप्स आ जाता है, पर नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपने तीनों को दोबारा देना है। तो हम क्या करते,
उन्होंने कहा सिस्टम ही ऐसा ही है, आपने अगर बड़ा आदमी बनना है तो ये मुश्किल है तो आपने गुजारना पड़ेगा। उनका मिलाया हुआ सारिफ इस वक्त मसरूफ है। सज्जाद आगाई सज्जाद खो गोश को फुल द टॉप की रस्सी दी अमुंज एक दन रेजा पोंड वरी बुत पोंडी आओ अजू का द राइट बोरी अस पोंड बाद राइट। तो हम रास्ता गलत आए लेकिन ये व्यू इट्स वर्थ इट। अब दुआ ये है कि हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो सही रास्ता हो। एक घंटे से ज़्यादा हम जा रहे हैं लेकिन अभी तक हमें एक भी रिबिन नज़र नहीं आया। गांव के नज़दीक तो चलो कहते हैं कि यार लोग उतारते हैं, यहाँ तो किसी बंदबशर का नाम ही नहीं है। रास्ता हमें मिल गया, फ्रेश हो गए हम, थोड़ा सा एड स्टेशन था वहाँ पर, लेकिन अब 5 मिनट पहले तक राइट एंकल में दर्द हो रहा था, अभी लेफ्ट काफ में दर्द हो रहा है। तो जैसे तैसे करके हम मॉड्यूल डी तक पहुंच गए। 2012 की बात है और सीए में ये है कि 4 मॉड्यूल जब आप करेंगे यानी 4 सेमेस्टर तो बाद में आपने 3.5 साल की आर्टिकलशिप करनी है, यानी किसी ऑडिट फर्म में आप एज अ ट्रेनी वहाँ पे जो है वो काम करेंगे, पैसे आपको देंगे मिनिमम, आपके नसवार और सिगरेट का भी पैसा पूरा नहीं होगा उससे, जैसे 2012 में मुझे दे रहे थे 6,500 और काम ले रहे थे बिल्कुल जानवरों की तरह और उस पर बुलिंग अलग। उसके अलावा कोयटा में टारगेट किलिंग अपने पीक पर थी, हर आए दिन मुसलसल कत्ल वगारत का सिलसिला जारी था। 2012 में जो है वो मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा रूममेट आरिफ, उसका भाई शहीद हो गया प्यूटम्स बस में, और उसी बस में मेरी बेगम भी थी, वो भी ज़ख्मी हो चुकी थी। उस ज़माने में हम एक दूसरे को नहीं जानते थे तो काफ़ी मुश्किल हालात थे, और उस हालात में आप अपने से ये पूछते हो कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये। आप कई बार सोचते हो कि अगर मैं यूँ करता तो कैसा होता, ख़ासकर जब आप ऑफिस वर्क के बारे में आप फैंटेसाइज करते हो, आप कहते हो कि पता नहीं मैं जब मैं टाई लगा के निकलूँगा तो इधर एक चाइनीज़ कह रहा होगा कि निहामशी निहामशी, और एक कैनेडियन यहाँ पे खड़ा होगा कह रहा होगा कि आप आ जाए हमारी कंपनी में आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और कराची में जो लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं उनको इस बात का एहसास होगा कि मोस्टली, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मोस्टली ऑफिस में माहौल किस तरह का होता है। तो बड़े मुश्किल दिन थे कि बस से बहुत हो गया, जलालत बहुत हो गई, वालिदैन को क्या मुँह दिखाऊँगा, रिश्तेदार हर ईद पे जब मैं घर में जाता हूँ पूछते हैं कि तुम्हारे सीए का क्या हुआ, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे अब्बू बूढ़े हो रहे हैं, तुमने शादी करनी है, और वो सब कुछ। बस बारिश की कमी थी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई लोग, खैरियत से आप? ठीक ठाक है, मजे में, ठीक ठाक सर। पानी थोड़ा सा कोक, थोड़ा सा कोक बस, इसी तरह ही। और केक भी है और उसके साथ टॉफियां भी हैं, जो दिल चाहे आगे सटना और भी चीजें मिल जाएंगी है मेरे पास। आपकी एक पिक्चर लेनी है बस हमने आपके उसके साथ। अच्छा आप किस कोयटा से आए हैं जी? यार वो 3 लोग जो आपने नाम बताए थे, अली जैदी आ गए हैं और मोहम्मद रजा, मोहम्मद रजा भी आ गए हैं, दोनों कोयटा के, ये दोनों थे। तो वो जो तीसरे रनर हैं उनका नाम क्या है? फहद उस्मान। फहद उस्मान, बस ठीक है। आपका महमूद चला गया पहले, ठीक है, जबरदस्त, यहाँ जाना पड़ेगा हमें। वो जा रहे हैं, से वो जा रहे हैं ना, वहीं से आगे लेफ्ट होके नीचे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। गए वाले भाई क्या हाल है, तमाशा ही आप देख रहे हैं, हमारे हौसला अफजाई के लिए यहाँ पे मौजूद है।
तो जो कुछ देखना था हमने देख लिया। फिर जहन में ये सवाल उभरने लगा कि क्या मैं सारी ज़िंदगी डेबिट क्रेडिट करके मरना चाहता हूँ या नहीं। आप कंफ्यूज होते हो, आप किसी से शेयर नहीं कर पाते, वालिदैन जो अपने पेट से काट के आपके लिए सारी सहूलतें मुहैया कर रहे हैं, आप उनको नहीं बता पाते कि आप क्या करना चाहते हैं 6 साल गुजरने के बाद। फिर बिलाखिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये इरादा कर लिया कि ये ज़िंदगी मेरी अपनी है और मैं इसको ज़ाया करना नहीं चाहता। CA मैंने छोड़ दिया 9 साल के बाद और अभी तक मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं अब्बू को रूबरू ये कह सकूँ कि अब्बू मैंने CA छोड़ दिया, मैं पेपर नहीं दे रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं कहूँ कि आज मेरी ज़िंदगी बहुत ज़बरदस्त है, वही मसाइल है, वही ख्वाब है, वही रिग्रेट्स है, लेकिन आज कम से कम मैं जो जी रहा हूँ, मैं सिर्फ जी नहीं रहा हूँ, मुझ में जीने की ख्वाहिश है। मैं जीना चाहता हूँ अपने बच्चे के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपनी फैमिली के साथ। मैं हंसना चाहता हूँ, मैं घूमना चाहता हूँ। इस सारे सिलसिले में दोस्तों का ज़रूर जिक्र हो, वो दोस्त जो बदतरीन दिनों में मेरे साथ थे, बदतरीन हालात में, मुझे समझ नहीं पाए लेकिन उन्होंने मुझे जज भी नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि मैं कट ऑफ टाइम से पहले पहुंच जाऊंगा। बीच में रास्ता भटक गए और हमें तकरीबन 1 घंटा लगा वापस ट्रैक पे आने के लिए, और 1 घंटा और होता है। CA की इम्तिहान की तरह ये इम्तिहान भी मैं हार गया। लेकिन एक मूवी है, 1 Flew Over the Cuckoo's Nest, उसमें हीरो ये कहता है कि एटलीस्ट आई ट्राइड, तो मैं भी ये कहता हूँ कि एटलीस्ट आई ट्राइड। नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह।